हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मेडिसिन प्लस में। और चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे सेट्रिजिन टेबलेट के बारे। हम बात करेंगे, जानेंगे इसके MRP क्या पड़ती है, इसे कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, इसके डोज क्या है, इसे साइड इफेक्ट क्या क्या है, इसे किस प्रकार से लिया जाना चाहिए, हम बारीकी से जानेंगे। वीडियो आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हमारा तक अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हर वीडियो का अपडेट एक नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है सेट्रिजिन टैबलेट, जो मार्केट में सेटसिप ब्रांड नेम से आती है, जिसे 10 टैबलेट की स्ट्रिप आती है, और जिसके MRP के बारे में बात करें एक स्ट्रिप की, तो 20 रुपये यानी पर टैबलेट आपको 2 रुपये के हिसाब से मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगी किसी भी मेडिकल स्टोर से। और सेटसिप टैबलेट की जो स्ट्रिप आती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सिप्ला कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसकी मॉलिक्यूल के बारे में बात करें सेटसिप की, तो इसमें सेट्रिजिन हाइड्रोक्लर 10 mg होती है, जिसे आम भाषा में, बोलचाल की भाषा, हम लोग सेट्रिजिन टैबलेट कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि सेट्रिजिन टैबलेट का इस्तेमाल कब किया जाता है, इसके फायदे क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सेट्रिजिन टैबलेट का इस्तेमाल हमारे बॉडी में किसी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन होती है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दाद हो गई, खाज खुजली हो गई, और फंगल इन्फेक्शन हो गई, स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई हो, एथलीट फूड हो गई हो, डर्मेटाइटिस हो गई हो, एक्जिमा हो, या फिर कीड़े मकोड़ों को काट लेने के बाद आपके बॉडी में जो रिएक्शन देखने को मिलती है, कीड़े मकोड़ों की काटने के बाद एक धब्बे के रूप में या फिर स्वेलिंग आ जाती है उसे स्थान पे, तो इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल रनिंग नोज में भी किया जाता है, और अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार की इचिंग हो रही हो, तो इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कि तो काफ़ी अच्छी रिजल्ट है, काफ़ी अच्छी वर्क भी करती है दोस्तों। काफ़ी चर्चित दवा है सेट्रिजिन टैबलेट, इचिंग वगैरह के लिए आपके बॉडी में हो रही है तो, या फिर किसी बी वगैरह, मधुमक्खी वगैरह काट लिए हो, कीड़े कीट मकोड़े, तो इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि सेट्रिजिन टैबलेट की डोज क्या है। तो सेट्रिजिन टैबलेट को आप डॉक्टर की सलाह से लें और ओवर डोज लेने से बचे। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल SOS के रूप में भी किया जाता है, और बीडी की भी चलती है समय, अगर आपकी ज़रूरत हो तो सुबह शाम भी आप इसे ले सकते हैं। पर इसे लॉन्ग टाइम तक इसका इस्तेमाल ना करें। अगर किसी प्रकार के आपको स्किन में रिएक्शन है, या फिर फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया किस प्रकार की, तो जिससे आप बराबर इसका दवा लेने की जरूरत पड़ रही, तो आप एक बार स्किन के डॉक्टर से मिलें और इसका इस्तेमाल लॉन्ग टाइम तक ना करें। अब चलिए बात करते हैं कि सेट्रिजिन टैबलेट को अगर आप लेते हैं, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि नौजियन, वोमिटिंग, चक्कर जैसा आना, सर दर्द, उल्टी जैसा लगना, इसके कुछ समान साइड इफेक्ट है सेट्रिजिन टैबलेट को। जो आप किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट आपको लेने के बाद देखने को मिलती है, तो आप तुरंत जाकर अपने चिकित्सक से मिले और बताएं। अब चलिए बात करते हैं कि सेट्रिजिन टैबलेट को लेते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप इसके लेते हैं, तो लेने के बाद आप ओवरडोज लेने से बचें, और इसकी बच्चों को, अगर आप इसकी सिरप भी आती है सिट्रिजिन की, अगर आप बच्चों को देते हैं, तो बच्चों को खुद से लेने ना दें, आप बच्चों को खुद से इसकी डोज को दें। और अगर आप सिट्रिजिन टैबलेट को लेते हैं, तो सिट्रिजिन टैबलेट को लेने के बाद आप वाहन या फिर किसी चालक है, तो आप उसका चालक वाहन का इस्तेमाल ना करें, चलाएं ना, बाइक उठ ना चलाएं, क्योंकि सेट्रिजिन टैबलेट को लेने के बाद थोड़ी सी हल्की फुल्की नींद आती है दोस्तों। अगर आप हाइट पे काम उम करते, तो इस टैबलेट को लेने के बाद आप हाइट पे अपने काम को पे ना जाए, या तो फिर उस समय न लें, रात में जब सोते हैं आप उस समय इसका इस्तेमाल करें, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, और प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे यूट्यूब चैनल को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, थैंक यू दोस्तों।